स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.2। तो इस 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास वो लाइन रिप्रेजेंटेशन का है। तो हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, इन पॉइंट्स में जैसे 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि सारे के सारे डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं। तो 1/2 में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो मुझे इससे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2/4 आ गया, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास आ गया 2/4, 1/4, 3/4, 4/4। हमारा जो पॉइंट्स है उसमें सारे के सारे डिनोमिनेटर्स पे 4 4 ही आ रहा है, तो मैंने लाइन खींच ली है। अब हम लाइन खींचेंगे, तो हमारे पास लाइन के ऊपर सेंटर में जो रहता है वो 0 है। अगर लाइन ये है तो जो वैल्यूज रहेगी तो 0 इस साइड को, तो सारे के सारे इस साइड वाले प्लस में होते हैं और इस साइड वाले माइनस में। बोलने का मतलब ये है +1, 2, 3, +4, -1, -2, -3, -4। तो जो भी हमारे कौन सी साइड को, हमारी राइट हैंड साइड को होंगे वो सारे के सारे प्लस और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस। तो अभी हमारे पास सारे के सारे किसमें, प्लस में, तो प्लस वाला लिख रहा हूं मैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो हमारे पास सारे के सारे आ गए, हमने सारे के सारे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर लिए। तो अब हमारा जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो गया। तो ये अगर मैं इसको काटूं तो 1 आता है, ये 1 होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी के साथ सॉल्व हो गया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो बी पार्ट है अब हम वो राइट करेंगे। बी पार्ट में 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। हमने सारे के सारे पार्ट लिख लिए 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। हम दोबारा से लाइन लेंगे, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, हमने जैसे ही लाइन ड्रॉ की दोबारा सारे के सारे प्लस में है, राइट के 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। तो हमारे सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गए। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें करना है। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जैसे लाइन ली वैसे ही ले रही है, पर अब क्या करेंगे, 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। जो जो ऊपर पॉइंट दिए हैं उनको सर्कल करना है, तो हमने सर्कल सारे के सारे कर ली। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और ये भी है। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट सा है, सीधा सा कि लाइन पॉइंट्स दो और लाइन पे बना दो, और ये सिंपल और सही बोलने लंबा मेथड है। पहले सारे के सारे पॉइंट लिखो ऑर्डर में, 1/8, 2/8, 3/4, 5/8, 6/8, 7/8। रिपीट करो, 1/8 था, 2/8 था, 3/8 था एंड 7/8 था। अब हमारा जो थर्ड जो पार्ट रहता है, इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है हम लिख रहे हैं सी पार्ट। जो सी पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। दोबारा से 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5,
7 by 5, 8 by 5 एंड और ले लेते हैं 9 by 5। हमने राइट कर लिया 1 by 5, 2 by 5, 3 by 4, 5 ले लिया, हमने 5 by 5 ले लिया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 था, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 2 by 5 है तो 2 by 5 सर्कल कर लिया, 3 by 5 था वो भी सर्कल कर लिया, 8 by 5 है वो भी सर्कल किया, और ये 4 by 5 था ये भी सर्कल कर लिया। तो हमने इसी क्वेश्चन के हिसाब से किया 2 by 5, 3 by 5, 8 by 5, 4 by 5, तो यहां भी 2 by 5, 3 by 4 by 8 by 5 हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के साथ होल होता है। और हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है 20 by 3, हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 20 राइट करेंगे 3 से, 3 का टेबल 3 6 18, तो 3 6 18 हुआ। सब्सट्रैक्ट किया ये 1 और यहां बन गया 10, माइनस करेंगे 2 आएगा। तो ये होता है क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइड। तो जो हमारे पास जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा क्यू आर अपॉन डी। तो बस क्या करना है, नंबर्स जो पॉइंट्स है वो लर्न रखने हैं कि कौन सी पोजीशन पे क्या आता है, ये डिवाइड करने और डिवाइजर आंसर को क्वेश्चन जो बचा हो रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 by डिवाइड किससे किया, 6। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है। अब मैं इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूं, यही पे ही बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है 11 by 5। तो अगेन हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 11 by 5, तो 5 2 10 सब्सट्रैक्ट किया 1 बचा, दोबारा से डी क्यू आर। तो ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं Q R upon D, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है, Q comes 2 1 5। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यही पे हो गया, इसके और जो पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। जो नेक्स्ट रहता है हमारे पास इसके C पार्ट है D E एंड F। तो हमारे पास सी पार्ट है 17 by 7, डी पार्ट है 28 by 5 एंड 19 by 6 एंड 35 by 9। तो ये सारा के सारा होमवर्क रहता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू।